बिल्कुल, और आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में उथल पुथल लगातार जारी है और इसको लेकर पाकिस्तान ने अब प्रतिक्रिया भी दी है। जैसे कि महिमा बता रही थी, शहबाज अमन चैन की बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन से पाकिस्तान खुश है। रिपोर्ट देखिए। तमाम जो अपोजिशन है ना, वो उनको बिल्कुल ही सामने आने दे रहे थे ना, उनके कोई जलसे जुलूस, उसने भी रिग करके इलेक्शन जीता था। वो हेलीकॉप्टर में बिठा के फौज ने उसको बाहर इंडिया भेजा ना, वरना वो खुद कैसे जा सकती थी। बांग्लादेश में लोकतंत्र की जड़ें उखड़ गई तो पाकिस्तानी खुश हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है तो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेश में कठपुतली सरकार आ गई है तो पाकिस्तानी फूले नहीं समा रहे। बांग्लादेश की तरक्की और भारत से उसकी दोस्ती से चिढ़ने वाले पाकिस्तानी आज झूम रहे हैं। शेख हसीना का तख्ता पलट उन्हें सुकून पहुंचा रहा है। जो मतलब बांग्लादेशी अवाम बहुत खुश है, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत खुश है। अच्छा। इस पे बांग्लादेश के यूथ ने इस सारे मामले को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में हालात खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह जो थी बस हसीना वाजिद थी। वो ना सिर्फ प्रो इंडियन थी बल्कि एक डिक्टेटर भी थी, क्योंकि उसने बहुत लंबा अरसा बांग्लादेश पे हुकूमत की है। ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि अपने मुखालिफिन को उसने बिहाइंड द बार्स उसने धकेल दिया। पाकिस्तानियों की खुशी तो आपने देख ली, लेकिन अब पाकिस्तानियों के आका यानी उनके वजीर आजम शहबाज शरीफ की भविष्यवाणी भी सुनिए। बांग्लादेश की बर्बादी की दुआएं करने वाले शहबाज शरीफ आज वहां हालात सामान्य होने की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सरकार और पाकिस्तान की आवाम बांग्लादेश के साथ खड़ी है। बांग्लादेश के हालात जल्द सामान्य होंगे। वहाँ के हालात पर पाकिस्तान की सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। वैसे ये वही पाकिस्तान है जो कल तक बांग्लादेश से खार खाता था, पानी पी पी कर उसे कोसता था, उनकी तरक्की से जलता था। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान और दहशतगर्दों की वजह से दुनिया में बदनाम पाकिस्तान सरकार बांग्लादेश के हालात सुधरने की भविष्यवाणी क्यों कर रही है? दरअसल पाकिस्तान मौके पर चौका जमाना चाहता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार किससे दोस्ती की पींगे बढ़ाना। पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान की सरकार और सेना बांग्लादेश को अपने पालतू आतंकियों का अड्डा बनाना चाहती है। पाकिस्तान की शरीफ सरकार बांग्लादेश को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर उससे 1941 का बदला लेना चाहती है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत आपने सुनी होगी। पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर चल रहा है। मन ही मन वो बांग्लादेश को पूरी तरह तबाह होते हुए देखना चाहता है, तो वहीं दिखावे के लिए वहां अमन चैन की दुआ मांग रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि अफगानिस्तान में उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसी तालिबान ने उसकी घिग्गी बना दी जिसके जरिए वो वहां अपनी पैठ बनाना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात मोहम्मद यूसुफ की कर लेते हैं, जिनके नेतृत्व में बनी सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और साथ ही एक संदेश भी दिया है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया और कहा कि वहां पर जो अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है या फिर जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये बात कहते हुए नजर आए। और ये भी कहा कि बांग्लादेश में हालात सामान्य हो, ये भी बात कहते हुए पीएम मोदी नजर आए। उम्मीद है बांग्लादेश में जल्द सामान्य होंगे हालात। और देखिए बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, वहां पर पीएम ने शपथ ली, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। बांग्लादेश में अभी भी उपद्रवियों का तांडव लगातार जारी। पीएम मोदी ने एक तरफ जहां बधाई दी और दूसरी तरफ हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की हो, ये भी बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं और यहाँ पर कहा कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वो जल्दी ठीक हो। और वक्फ बोर्ड एक्ट की अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं, जहां संशोधन को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला। कल भी अगर सेशन की बात करते हैं तो विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा और हंगामे की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई थी, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या है। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए और देखिए कि किस तरह से सियासी वार पलटवार तेज होते हुए नजर आया। वक्फ पर घमासान, संसद में हिंदू मुसलमान। वक्फ पर रार, विपक्ष बनाम सरकार। हर काम में कलेश, विपक्ष का यही एजेंडा शेष।
जैसा तय लग रहा था वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गुरुवार को संसद में वही हुआ। सरकार की तरफ से केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, विपक्ष के तय एजेंडे के मुताबिक हंगामा शुरू कर दिया। इससे पहले कि सरकार के मंत्री इस बिल के फायदे गिनवाते, विपक्ष बिल के विरोध में सदन में हंगामे पर उतर आया। नई नई दलीलें दी जाने लगी और इस बिल को पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी करार दे दिया गया। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है कि भाजपा अपने हताश निराश आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। विपक्ष का रवैया वक्फ संशोधन बिल को लेकर ठीक वैसा ही था जैसा कि आमतौर पर विपक्ष हर मुद्दे पर करता आया है। विपक्ष ने वक्फ संशोधन बिल को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ साबित करने की जहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, तो वहीं इस कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश ने स्पीकर के बहाने सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूके, लेकिन अमित शाह भी तैयार बैठे थे। अखिलेश ने जैसे ही सरकार पर हमला बोला, अमित शाह ने अखिलेश को लपेटने में देरी नहीं की। कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। अध्यक्ष महोदय अभी अभी हारे हैं। ओके नो। और दरअसल ये चाहते हैं। नो। दरअसल अमित शाह के तेवर यूं ही तल्ख नहीं थे। सरकार ने बिल पेश करने से पहले अपना पूरा होमवर्क भी कर लिया था, जिसका पता बीजेपी के सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता ललन सिंह के दिए गए जवाब से लग गया। यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक के चक्कर से नहीं बोल रहा है। मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। सवाल खड़े होते कि पारदर्शी